की बॉडी से तभी एलियन बाहर निकलता है। वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और एलियन इस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता। वो 5 मिनट से ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। और तभी एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से गाड़ी बाहर निकलती है। इस गाड़ी के अंदर एक रोबोट होता है जिसे एलियंस ने फ्यूचर से यहाँ पर भेजा है। इसका नाम गार्ड होता है। गार्ड के साथ एक दूसरा रोबोट डिवाइस भी होता है, ये भी एक रोबोट है। और अब गार्ड रोबोट उस एलियन पर हमला करता है जो औरत की बॉडी से बाहर निकला था। लेकिन एक बार फिर से वो उस औरत की बॉडी के अंदर चला जाता है। पर गार्ड रोबोट जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, वो अपनी पावर से उस एलियन को खींच लेता है। और जैसे ही एलियन उस औरत की बॉडी से बाहर निकलता है, वो मरने वाली होती है। मरने से पहले वो गार्ड रोबोट को कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो बहुत छोटी है। इसके बाद उस औरत की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर एक सिपाही आता है जो उस बच्ची के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर तभी गार्ड रोबोट के साथ जो दूसरा डिवाइस रोबोट होता है, वो इंसानी रूप में आ जाता है और उसे मारकर बच्ची को बचा लेता है। अब दोबारा पोर्टल खुलता है और ये दोनों के दोनों सन 2012 में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर गार्ड रोबोट उस एलियन को, जिसे वो उस वक्त से यहाँ पर लेकर आया है, दूसरे एलियंस के साथ कैद कर देता है। और यहाँ पर इनके पास टोटल 7 एलियंस हैं जो इनके कैदी हैं। गार्ड रोबोट जब बाहर जाता है तो देखता है कि उसके साथ ही रोबोट ने, जिसने इंसानी रूप लिया था, उसे बिना बताए बच्ची को भी गाड़ी में रख दिया था, जिस वजह से बच्ची भी अब इस वक्त में आ चुकी है। वो बताता है कि मैंने बच्ची को इसलिए रखा क्योंकि मैं इंसानों के बारे में जानना चाहता हूँ। और अब ये तय करते हैं कि ये इस बच्ची को खुद पालेंगे। वही हमें साल 1391 दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जादूगर होता है। उसके पास 2 बिल्लियां भी होती है। और एक दिन जादूगर को पता चलता है कि एक क्रिस्टल का चाकू है जिसके ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम है। जो भी उसे ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। जादूगर को एहसास होता है कि वो इस चाकू को देख चुका है, लेकिन बहुत याद करने पर भी उसे याद नहीं आता। जिसके बाद वो एक नजूमी के पास जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले वो बेशकीमती चाकू एक मछुआरे को मिला था। उसके अंदर हीरे लगे हुए हैं। वो मछुआरा लोहार के पास उन हीरों को निकलवाने के लिए ले गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हीरे नहीं निकाल पाया। जिसके बाद उस चाकू को एक सिपाही ने खरीद लिया और अब वो उस सिपाही से मिलने के लिए जाता है। पर जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक और आदमी आया है जो कि उसी सिपाही से मिलने के लिए आया है। इस आदमी के कपड़ों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये भविष्य से आया है, ये एक फ्यूचर मैन है। और इस फ्यूचर मैन का दावा होता है कि वो चाकू जो कि सिपाही के पास है, वो इस फ्यूचर मैन का है। वो उसे कहता है कि वो चाकू मेरे हवाले कर दो। और जब सिपाही मना करता है तो उस फ्यूचर मैन के अंदर से एलियन उस आदमी के ऊपर, यानी कि सिपाही के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सिपाही बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो उस चाकू को निकाल कर फेंक देता है और अब सिपाही की मौत हो जाती है। और इससे पहले कि फ्यूचर मैन उस चाकू को उठाता, वहां पर नजूमी भी आ चुका होता है जिसे पता था कि चाकू कहां पर है। वो उस चाकू को उठाकर भागने लगता है, लेकिन फ्यूचर मैन उसे देख लेता है। वो उसका पीछा करता है, पर जादूगर उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद फ्यूचर मैन और जादूगर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। और तभी इनको एक एलियन शिप दिखता है। और जब ये उस एलियन शिप के पास जाते हैं तो देखते हैं कि नदी के दूसरी तरफ एक औरत है जो इन्हें देखकर वहां से भाग जाती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि एलियन शिप यहां पर कैसे आया और वो औरत जो भागी है वो कौन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन 2022 का वक्त, यानी प्रेजेंट टाइम, जहां पर वो बच्ची जिसे गार्ड रोबोट अपने साथ ले गए थे, वो अब 10 साल की हो चुकी है क्योंकि वो उसके वक्त से उसे सन 2012 में लाए थे और अब सन 2022 है। रोबोट अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखते हैं। बच्ची को भी पता होता है कि उसके जो पिता है वो एक रोबोट है। वो उनसे बहुत प्यार करती है पर उनके बारे में और भी जानना चाहती है, इसीलिए अपने फोन को जानबूझकर ऑन करके वो गाड़ी में छोड़कर चली जाती है। और वो अपने पिता की, यानी कि रोबोट की बातें सुनने लगती है, जिसमें उसके पिता जो कि गार्ड रोबोट है, वो दूसरे रोबोट से बात कर रहे होते हैं कि हमें एक एलियन को, जो कि एक मुजरिम यानी कि कैदी एलियन है, उसे इंसानों की दुनिया में लाना है और इंसानों के जिस्म में कैद करना है। इसके लिए हमें 107 इंसानों की जरूरत है क्योंकि वो एलियन बहुत ही शक्तिशाली है। गार्ड एलियन जब गाड़ी से चला जाता है तो वहां पर उसकी बेटी आती है और वो अपना मोबाइल निकालने लगती है। तभी उससे एक बॉक्स खुल जाता है और ये वो बॉक्स होता है जिसके अंदर एलियंस को कैद किया जाता है। और इससे पहले कि वो एलियंस को गलती से आजाद करती, यहां पर गार्ड एलियन का जो दूसरा साथी होता है, जो कि एक रोबोट है जो कभी भी इंसान बन जाता है, वो आ जाता है और वो बच्ची को देखकर इंसान बन जाता है। इसके बाद उसे सब कुछ बताता है कि कैसे हम एलियंस को सजा देने के लिए इंसानों की बॉडी के अंदर कैद करते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि हम तुम्हें पास्ट से लेकर आए हैं, हम पास्ट और फ्यूचर किसी भी वक्त में जा सकते हैं। अगले दिन गार्ड एलियन को और उसके असिस्टेंट को, यानी कि उसके साथी को जो अधिकतर रोबोट बनकर रहता है, एक हॉस्पिटल में जाना होता है। इसके बारे में इनकी बेटी को भी पता है, इसीलिए इनके पहुंचने से पहले वो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां का वीडियो शूट करने लगती है। और तभी आसमान में हमें एक एलियन शिप को दिखाया जाता है जो शिप से यहाँ पर एक अजीब सी चीज को फेंकता है जो हॉस्पिटल के अंदर गिरने के बाद एक गोल्डन एग के रूप में बदल जाता है। और तभी उसके अंदर से एलियन के बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो हॉस्पिटल में लगभग सभी इंसानों को पकड़ लेते हैं। गार्ड रोबोट की बेटी भी यहीं पर होती है, वो अपने आप को बचाती है। गार्ड रोबोट भी यहाँ पर आ जाता है। वो अपनी बेटी एन को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो अभी अपने मिशन को पूरा करना चाहता है। और जब वो एलियंस के टेंटिकल 107 लोगों को पकड़ लेते हैं तो उनकी बॉडी में एलियन को ट्रांसफर करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। हमें एक बार फिर से 1391 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर जादूगर अपने साथी के साथ एक मंदिर में
पहुंच जाता है जहां पर मंदिर का रक्षक होता है। यहां पर पहले से एक हस्बैंड वाइफ आए होते हैं जो उस मंदिर के रक्षक को अपनी बेशकीमती चीजें बेचना चाहते हैं, लेकिन मंदिर का रक्षक कहता है कि जाओ और पहले उस क्रिस्टल के चाकू को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद ये हस्बैंड और वाइफ अपने लोगों के साथ उस घर में उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसके पास वो बेशकीमती चाकू है। ये उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसे चाकू लाने के लिए कहते हैं। इससे पहले कि ये उस चाकू को हासिल करते यहां पर एक फाइटर आ जाती है, वो उनसे उस चाकू को हासिल कर लेती है। पर अब जब वो चाकू लेकर यहां से निकलना चाहती है तभी मंदिर का रक्षक यहां पर आ जाता है और वो उस लड़की को बेहोश करके चाकू हासिल कर लेता है। अब हमें एक बार फिर से सन 2022 का वक्त दिखाया जाता है जहां पर गार्ड एलियन और उसका साथी अपनी बेटी एन को बताता है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे भी एलियंस होते हैं जो कि बुरे हैं, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हम इंसानों की रक्षा करते हैं। और अब दिखाया जाता है कि जो बुरे एलियंस होते हैं उनका एक स्पेसशिप धरती की तरफ आ रहा होता है जो उन कैदी एलियंस को छुड़वाना चाहता है जिन्हें इंसानों की बॉडी के अंदर कैद किया गया है। और अब गार्ड एलियन और उसका साथी उन एलियंस को रोकना चाहते हैं और उनकी बेटी एन जिद करती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, इसीलिए एन को भी अपने साथ ले जाते हैं। वहीं स्पेसशिप के अंदर से एक रेड एलियन निकलता है जो एक पुलिस वाले के पास जाता है क्योंकि इस पुलिस वाले की बॉडी के अंदर भी एक एलियन को कैद किया गया है और इंसानों की बॉडी के अंदर से किसी भी एलियन को बाहर निकालने के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है और वो चाबी वही क्रिस्टल चाकू होता है जिसे सन 1381 में जादूगर हासिल करना चाहता है, जिसे मंदिर के रक्षक ने हासिल कर लिया था। और सन 2022 में वो क्रिस्टल का चाकू गार्ड के पास होता है। गार्ड भी इस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर रेड एलियन है और गार्ड अपने रोबोटिक रूप में आ जाता है जिसके बाद इन दोनों की एक घमासान फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान रेड एलियन गार्ड से किसी तरह से उस चाकू को हासिल कर लेता है और अब वो उस पुलिस वाले तक पहुंचना चाहता है जिसकी बॉडी के अंदर एलियन कैद है। पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए वहां से गाड़ी से भागने लगता है। रेड एलियन अपने स्पेसशिप से उसका पीछा करता है, वहीं गार्ड एलियन भी अपने स्पेसशिप से इन दोनों का पीछा करने लगता है क्योंकि किसी भी तरह से वो रेड एलियन से उस चाकू को वापस हासिल करना चाहता है। वो रेड एलियन के स्पेसशिप पर हमला करता है, रेड एलियन भी उसके स्पेसशिप पर हमला करता है जिस वजह से गार्ड एलियन का जो स्पेसशिप होता है वो क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। और इस बात का इस मौके का फायदा उठाकर रेड एलियन पुलिस वाले तक पहुंच जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जिस एलियन को कैद किया गया था उस एलियन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। यहां पर अब गार्ड रोबोट पहुंच जाता है जो एक बार फिर से उस एलियन को कैद करना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता यहां पर रेड एलियन उसके ऊपर हमला करता है जिस वजह से वो उस एलियन को दोबारा से कैद नहीं कर पाता। रेड एलियन का मिशन अब पूरा हो चुका है इसीलिए गार्ड एलियन को पकड़ लेता है और एक जोरदार ब्लास्ट करता है जिस वजह से गार्ड रोबोट यानी कि गार्ड एलियन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसकी शक्तियां बहुत कम है, वो उठ भी नहीं पा रहा होता। और तभी उसका जो दूसरा रोबोट डिवाइस होता है जो इंसानी रूप में कभी भी आ जाता है वो अपनी एनर्जी को अपनी पावर को उसकी बॉडी में डालता है जिससे वो एक बार फिर से होश में आ जाता है। पर अब वो एलियन जो पुलिस वाले की बॉडी से बाहर निकला था जो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है वो एलियन शिप के अंदर चला जाता है जहां पर हमें लाल रंग की बड़ी बड़ी बॉल्स दिखाई जाती हैं जो हवा में तैर रही होती हैं और इन बॉल्स की वजह से इनकी मदद से ये एलियंस धरती पर सर्वाइव कर सकते हैं। और अब ये एलियन अपने सभी साथियों को जो धरती पर इंसानों की बॉडी के अंदर कैद हैं उन सबको आजाद करके अपनी एक आर्मी बनाना चाहता है। और इससे पहले कि वो अपने स्पेसशिप से यहां से निकल पाता एक बार फिर से गार्ड रोबोट यहां पर आ जाता है जो एलियन के ऊपर हमला कर देता है। इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान गार्ड रोबोट उस एलियन को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है पर उसके साथ दो लाल रंग की बॉल भी बाहर आ जाती है। और अब ये एलियन इस माहौल में ज्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकता, इसे इंसानी बॉडी की जरूरत होगी, इसीलिए वो एन की तरफ बढ़ने लगता है ताकि एन की बॉडी के अंदर एंटर करके वो इस माहौल में सर्वाइव कर ले। पर तभी वहां पर डिवाइस रोबोट आ जाता है जो उसके ऊपर हमले करता है जिस वजह से उस एलियन को एक बार फिर से पुलिस वाले की बॉडी के अंदर जाना पड़ता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अपने एक बहुत बड़े टेंटिकल को बाहर निकालता है और उसके साथ स्पेसशिप से जो दो लाल रंग की बॉल बाहर आ गई थी उनमें से एक बॉल को ब्लास्ट कर देता है और अब यहां पर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है और जो भी इंसान उस गैस के संपर्क में आता है उसकी मौत होने लगती है। यहां पर वो इंसान भी होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एलियंस कैद है और इस गैस की वजह से वो एलियंस उनके अंदर जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गार्ड एलियन यानी कि गार्ड रोबोट को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी एन को अपने साथी रोबोट जो कि इस वक्त इंसानी रूप में है उसके साथ गाड़ी से यहां से दूर भेज देता है क्योंकि अब वो कमजोर हो चुका है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बेटी एन को कोई भी खतरा हो। और अब जब गार्ड का साथी एन को यहां से दूर ले जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बता देता है कि गार्ड रोबोट अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि उसकी जान बचेगी। ये सुनकर एन परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो उसे अपना पिता समझती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले बात क्यों नहीं बताई, मुझे वापस ले चलो। और जिद करने पर उस रोबोट को उसे गार्ड रोबोट की तरफ ले जाना पड़ता है। वहीं एलियन को दिखाया जाता है जो गार्ड रोबोट तक पहुंच जाता है, वो उस पर हमला करता है। लेकिन अब यहां पर उसका साथी भी उसे संपर्क करता है जो गार्ड रोबोट को कहता है कि अब भी हम उस एलियन को हरा सकते हैं, बस हमें उस एलियन की मेन जगह पर जहां पर लाल रंग की लाइट जलती है वहां पर हमला करना होगा। गार्ड एलियन को पता चल जाता है कि बाहर उसका साथी पहुंच चुका है इसीलिए वो क्रिस्टल चाकू को बाहर फेंक देता है। गार्ड एलियन का साथी उस चाकू को पकड़कर रेड लाइट के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी एलियन उस पर हमला करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और अब एक बार फिर से चाकू गार्ड एलियन के पास आ जाता है। ये गाड़ी से चाकू लेकर भागने
लगते हैं और ये तीनों के तीनों यानी कि गार्ड एलियन, उसका साथी और छोटी बच्ची एक पोर्टल के जरिए इस वक्त से निकल जाते हैं और दूसरे वक्त में पहुंच जाते हैं। और एलियन भी वहां पर पहुंच जाता है जो गार्ड रोबोट के ऊपर हमला कर देता है। गार्ड रोबोट बहुत ज्यादा कमजोर है और अब एलियन गार्ड रोबोट को मारने वाला होता है कि तभी गाड़ी में बैठी हुई गार्ड रोबोट की जो बेटी है वो एलियन के ऊपर गोली चला देती है जिससे उसका इंसानी जिस्म मरने लगता है और तभी वो अपने टेंटिकल से गाड़ी के ऊपर हमला करता है और एन गाड़ी के साथ पानी में गिर जाती है। उसके पास क्रिस्टल चाकू भी होता है, वो चाकू उसके हाथ से छूट जाता है और पानी की गहराई में कहीं खो जाता है। और जब तक इन्हें वो क्रिस्टल चाकू नहीं मिलेगा ये वापस किसी भी वक्त में नहीं जा सकते। ये सब के सब यहाँ पर अब फंस चुके हैं और ये साल होता है सन 1380 एडी का, वही साल जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जिस साल में एन का जन्म हुआ था और उसे लेकर वो भविष्य में 2012 में चले गए थे। एन एक बार फिर से सन 1380 एडी में आ चुकी है जहाँ पानी से उसे एक बच्चा निकालता है और ये बच्चा वही जादूगर होता है जो सन 1391 में किसी भी कीमत पर उस क्रिस्टल वाले खंजर को यानी कि चाकू को हासिल करना चाहता है। एन इसके बाद इसी वक्त में रहना शुरू हो जाती है और अब वक्त आता है सन 1391 का जहाँ पर एन भी बड़ी हो चुकी है और एन का नाम यहाँ पर ली है। ली वही लड़की है जिसने उन दोनों जादूगर कपल से उस खंजर को छीन लिया था। इसके बाद मंदिर के रक्षक ने उसके ऊपर हमला करके उससे उस खंजर को हासिल कर लिया था और अब ली जिसका नाम असली येन है वो उस खंजर को दोबारा हासिल करना चाहती है। हालांकि ये वक्त 1391 है लेकिन आज भी यहाँ पर येन के पास वो गन होती है जो वो सन 2022 से इस वक्त में लेकर आई थी जिससे उसने एलियन के शरीर को मारा था और उस गन को लेकर वो मंदिर के रक्षक के पास पहुंच जाती है। वो उसके लोगों के ऊपर हमला करती है जिससे खंजर नीचे गिर जाता है। येन उस खंजर को हासिल कर लेती है और अब मंदिर के रक्षक का एक और साथी येन के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और तभी उस आदमी के अंदर से एलियन निकलता है। दरअसल उस आदमी के अंदर उसके शरीर में एलियन ने अपना कब्जा किया होता है और वो येन के ऊपर हमला कर देता है। वो अपने टेंटिकल से उसकी गन पकड़ लेता है और उसी को शूट करने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पर वो जादूगर आ जाता है जिसने बचपन में येन को पानी से निकाला था और वो उसके टेंटिकल को काट देता है। इसके बाद वो उस जादूगर के ऊपर हमला कर देता है पर अब यहाँ पर वो कपल भी आ चुका है जो पहले मंदिर के पुजारी के लिए क्रिस्टल चाकू को हासिल करना चाहता था। ये दोनों भी मैजिशियन कपल हैं। इसके बाद जो लेडी होती है वो अपने जादुई आईने के अंदर हाथ डालकर अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेती है और वो बड़ा हाथ उस एलियन को मारने के लिए जाता है। एलियन अपनी लेजर बीम से उसके हाथ पर हमला करता है पर तभी जादूगर उसके हाथ को काट देता है। वहीं घड़े के अंदर जहाँ पर मंदिर के रक्षक को कैद कर दिया गया था उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एलियन निकलता है जो मंदिर के रक्षक के शरीर के अंदर था और अब वो जादूगर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। और जब येन ये देखती है तो वो उस पर गोली चलाती है और अब वो एलियन येन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। येन वहां से भाग जाती है और वो जादूगर जो दूसरा एलियन होता है उसे अपनी तलवार से मार देता है और वो तभी राख हो जाता है। जिस इंसान के शरीर के अंदर ये मरने वाला एलियन था वो जादूगर को बताता है कि एलियंस का जो लीडर है वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। ये सुनकर जादूगर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यहाँ पर हमें वक्त दिखाया जाता है सन 1380 एडी का, जो इन्हें एलियन को मारने के लिए उस इंसानी शरीर पर गोलियां चलाई थी जिसके बाद वो बहुत जख्मी हो गया था और वो इंसानी शरीर मरने वाला था। और तभी उसके सामने आता एक बच्चा और ये बच्चा वही जादूगर है जो सन 1391 में अब बड़ा हो चुका है। अब एलियन जिस शरीर में होता है वो शरीर मरने वाला है इसीलिए वो इस जादूगर बच्चे के शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लेता है जिसके बाद वो उस जादूगर के शरीर के अंदर ही है। यानी कि जितने भी एलियंस है उनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो अब उस जादूगर के शरीर के अंदर है, उसे इस बात का पता चल चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।